अरे मेरे को भी फोटो लेनी है भाई, मैं कहूँ मैं अपने ऐसी पैसे में क्या एफर्ट लगा के भग जाऊंगी। फोटो भेज दे। फोटो ठीक है भेज देना, और ये मत बोलना फोटो भेजने के एक्स्ट्रा पैसे हैं। ठीक है ओ भाई साहब क्या लड़की। चलो आज बैठ गए हम भी अंकित जोशी क्या है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो मेरे को था क्या बैठूंगी मैं भी एक बार। अच्छा यहीं से यूटर्न ले लेना भाई, आप लेके जाओ मैं क्या बताऊं। अच्छा आप देखो भाई रोड क्रॉस, और चल मैंने आपको ये प्लस पॉइंट दे देगी, चल ठीक है मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ, वरना मैं नहीं करती, मैं बोलती भाई इधर आ, नहीं मैं आ जाता, बट मैंने कोई मैंने इज्जत दी आपको एक्स्ट्रा। नॉर्मली आई रिस्पेक्ट एवरीवन बट आपको थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी। अच्छा थैंक यू। तो आप राइड नहीं लेते दिन में कि बड़े लोग हो गए अभी से? भाई नहीं, मैं राइड लूंगा, आई एम सॉरी। अरे नहीं इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट ओनली। नहीं ऐसे कोई बड़े बड़े वाली बात नहीं है, ऐसी ही है। आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। या दिस मींस दैट ओनली ना यार, हो गए बड़े लोग। अरे भाई इतना यूट्यूबर यूट्यूबर बने हो वो ले लो इसके कुछ, कि धूप ना लगे अगले बंदे को। यार तुम तो आते ही मेरे में चढ़ गई, पता चले वो। अब मैं नहीं बोलूंगी, नहीं ले लूंगा अभी इनकम तो शुरू होने दो। तो फिर आप इंस्टा पे मत डालो ना, फेसबुक पे डालो भाई, वहां से आता है पैसा। हाँ फेसबुक से भी आता है। मैंने आपकी एक तो वो देखी थी 51 रुपीज वाली वीडियो, सबसे पहली थी वो तो। हाँ जी तो आपको सिर्फ यही था कि इसकी गाड़ी में बैठना है आपको। मुझे बस ये था कि चल ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है हाँ। कि आप किसी भी एक ग्रोइंग बंदे को इन पर्सन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बिल्कुल मींस कोई ग्रोइंग बंदा रिकॉग्नाइज हो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूजुअली लोग ग्रो करके रिकॉग्नाइज होते हैं। अभी आप बोलो कि मुझे भुवन बम से मिलना है, मिल लोगे आप? घंटा मिल लोगे, कुछ नहीं यार तुम मस्त हो यार, वैसे तुम एकदम खुले दिल की हो ऐसे मुझे लग गया। पहले मैंने सोचा मैं जाके 5 मिनट से चुप रहूंगी, फिर वो बोलेंगे कि मैम आई डोंट हैव अ क्वेश्चन आई बट आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, ऐसा कुछ होगा। पर स्टिल तुमने आते ही एकदम चालू तुमने घर से ऐसी बातें सुनाता था। अरे हम के जोशी है यार, जाने तो क्या बात कर रहे हो इडियट ना। अरे यार यार मैंने तो सोचा मेरे को नहीं पता, मेरे मन में ना कभी ऐसा खोट नहीं रहता, बट मैं बोलती बहुत हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें गलत तरीके से रीच आउट करूँ, मैं बात बहुत करती हूँ बस। मैंने कहा चल ये ना बात करते, मैं बात करती हूँ, घूम के लौट के भी आ जाएगी। लेकिन लोग तो बड़े बड़े लोग, पहले मैंने सोचा मैं जाते ही पूछूंगा भाई से एक ही राय कहता है दिन की, उसके बाद जो कॉन्टेंट सुल्ताना होता है अपना की कॉन्टेंट यार वो भी मेन है। बट यार वो मेन है, बट दिस इज योर ओरिजिनलिटी, इसको खत्म मत करना। पता चले कल को, समझ रहे हो ना आप, कल को आपको 1 मिलियन हो गए तो आप नहीं, रोड का तो सत्यानाश हो गया, मेट्रो तो पता नहीं बनेगी, जब बनेगी दिमाग खराब हो जाता है इस रोड पे निकल के। यहाँ से पता है मेरे कॉलेज का रास्ता था। कौन सा कॉलेज था आपका? शहीद राजगुरु। मैं दिखने से बोलने से डम लग रही हूँ, वेरी इंटेलिजेंट जॉब ही रेड आ गया अभी। बोलो नहीं नहीं मैंने से मैसेज है वो तो मैंने ऑफ कर रखा है। हाँ बड़े लोग हो गया आज का, आई एम सॉरी। मेरे को भी तो मैं भाई इससे ले ये है पैसे वाला हूँ भाई, वो पैसे मांग रही है लड़की, मेरे पास चॉकलेट है वो अच्छी। हाँ तो दे दो फिर यार। पर मेरे पास चेन नहीं है कसम लगे, मैं झूठ नहीं बोलती ना, आपको भी ऑनलाइन करूँगी, नहीं तो 500 है, 500 देने वाला मेरा बजट है नहीं। अरे चॉकलेट दे दो ना। चॉकलेट दे दूँ पर क्या पता उसको, भाई ये देना आप उसको। क्या देना? पैसे। आप अपने हाथ से अच्छा काम करो, ये लो। अरे आप दे दो। अरे दे दो, पहली बात तो इनको पैसे नहीं देने चाहिए। आई नो बट आई नो क्यों दे रहे हो, मैं तभी मैंने बोला चॉकलेट दे दो। हाँ यू शुड ऑलवेज डू गुड थिंग इन काइंड नॉट इन मनी। ये लो आप खाओ एक। मैंने बता ही दिया तो मन मन में बोला होगा थी तीन चुड़ैल ने मैं सकती है मेरे को, मैं देती नहीं किसी को, बस दे रही क्योंकि मैंने बोल दिया था चॉकलेट है मरना चुप जाती उठा के। अभी तुमने बोला कि मैं चुप हो जाती हूँ।
देखते हैं कितनी देर चुप होती है। तुम नहीं रह सकती चुप। यार मैंने तो सोचा आप फ्रीक्वेंटली रहते होगे, तो मैंने सोचा मैं चुप ही जाऊंगी, मैं इन्हीं को बुला लिया करूंगी, मस्त बात करते ही जाऊंगी, पता चला लोग कब बड़े हो गए। अरे लोग बड़े की बात नहीं है यार, तुम मेरे कितने टांग खींच रहे हो। मैंने कसम लगी मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं जाऊंगी ना, मैं हमेशा ना इन्हीं को बोलूंगी कि भैया चले, भैया चले, भैया पूरे भगवान बन चुके हैं। अरे यार तुम मेरे को मत देंगे जब हमारा मन होगा, तुम लगे रहो पूजा करने में। भगवान अरे सच मतलब यार वो है कि मेरे पास या, या, ही तो है। हाँ। भाई मेरा मुंह ना सिक गया है पूरा, पता है इस पर रोटी रख के सेक सकते हो आप। अरे तो इधर बैठ जाओ तुम भी यार, अपनी गलती तो माननी है ही नहीं। मेरी किस बात की गलती भाई, आपकी गाड़ी में 1 रुपया गिर जाता मेरा, इतना ज्यादा कैश ले जाता मैं कहाँ एफ आई आर कराती फिरती। मेरे को बड़े दोस्ती में धोखे मिले और वैसे ये वो बेकार लोग। दोस्ती मिले या रिलेशनशिप में मिले? मैं मेरी शक्ल देख के लग रहा है रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की हूँ भैया, रिलेशनशिप में चाहिए बीवी, प्लीज साइड हो जाओ, ऐसी लड़की चाहिए रिलेशनशिप में, हम मुझसे ना हो पाए। बता दो ऐसी लड़की चलेगी रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में बीवी मेरे को ना मीठी मीठी लग, ऐसी लड़की चाहिए रिलेशनशिप में। मैं तो उल्टी ऐसी अपने बंदे को बचा के ला रही हूँ, पिट रहा होगा कहीं तो चल साले। अरे जैसे कि मान लो जैसे मेरी किसी पे इंस्टा पे बात हुई, ऐसे मैं एक दिन ऐसे कुछ बात बात हो रही होगी, कोई मुझसे पूछा क्या कर रही है, भाई मैं लिटरली पोंछा लगा के, मैंने कहा बस पोंछा ऊंचा लगा के हटे, वो कह रहा पोंछा लगाती है, मैंने कहा तेरे घर पे कुछ नया फर्श बदलते हैं रोज, पोंछा ही लगता है। गर्लफ्रेंड मटेरियल गर्ल्स आर यूजुअली लाइक, हम तो कुछ करते नहीं है, हम हीरे खाते हैं, हम जमीन पे पैर नहीं रखते, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बड़ी नॉर्मल हूँ भाई, हम खाना भी बनाते हैं सब कुछ, हम तो मुझसे चूल्हे पे बनवा लो, गैस बनवा लो, बनवा लो मत बनवा लो। गर्लफ्रेंड वाली लड़कियां यार मैंने देखी हैं, गर्लफ्रेंड वाली वैसी होती है ना कि अभी क्या कर रहे हो, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करा के आ रही हूं। भाई मां कसम, देख मां कसम सच्ची बात बोल रही हूं, मैं आज तक पार्लर में सिर्फ बाल कटाने गई हूं। जब मैं 12th में थी ना तो मेरे को कुछ गर्दन में इशू हो गया था, जैसे मैंने बताया ना 2018 में मैंने 12th की, तो कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बाल लाइट रखो, सिर्फ मैंने बाल कटाए, एशियल टेशियल फेशियल कुछ नहीं करा, बेकार है। मैं जैसी शक्ल है वैसे लेकर चलो ना भाई, तुमने आज तो फेशियल करा लिया, अब कल नहीं कराया तो भाई क्या क्या करोगे तुम, ऐसे रहो कि भैया हम तो अच्छे भी ऐसे हैं बुरे भी ऐसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरी मेरी गाड़ी में पधारे। नहीं आपका धन्यवाद है, बड़े लोग की परमिट किया ऐसे रैंडम, मैंने पता आपको एक बार और रीच आउट किया था, मैं नहीं बताऊंगी क्यों, बताऊ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे को रीच आउट करा था? या आप बोले हो मैं बात नहीं करता ऐसे ऐसे, तो उल्टा बोला मेरे को आपने कसम से। एग्जैक्टली मेरे को तो नहीं लगता यार, मेरे को लगता है व्हाट डू मेरे को लगता है मैं फोटो में ऐसे नाचने लगती हूं पहचान जाओगे। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे मैं किसी से बात करता हूं। की आपने भाई यार दिखाओ, वो दिखाओ जरा मेरे को, नहीं नहीं वो दिखाओ मेरे को, चैट दिखाओ। सॉरी मैं अपना पर्सनल चैट किसी को नहीं दिखाती, इसमें पर्सनल क्या, मेरे को तो भेजा है। अच्छा मैं वैसे अंकित जो, अरे भैया हमें आगे का अमाउंट बताएंगे भी के अलावा। कितना था, कितना वो हुआ था, मैं याद नहीं है। आपको 100 भेज दिया था जो कि बड़े लोगों का बुकिंग पेमेंट था। हाँ। अब आगे का तो आप ही बताएंगे प्रभु। तो उसमें हुआ तो था वो रेलवे टोटल कॉस्ट 440। अरे अब बताओ 440 तो ठीक है। हाँ। आप ऐसे कह रहे आपको ना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, मुझे लगा ये 1000-1200 लेगा भाई अंकित जोशी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 400 ज्यादा भाई, मैं 700 में आई थी एक दिन, तो ठीक है तुम 700 कर दो। क्या तो है क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, 440 में 100 के बजे 340। थैंक यू मैम, 1 रुपए हमने। चलो मैम बताओ क्या पसंद है खाने में, लाल दूसरे गला। चलो मेरे साथ चॉकलेट खा लेना, आपको 440 बनने 101 रुपए। भाई मैंने मैसेज भेज दिया आपको, शिट यार तुम्हारे दिमाग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग क्या हो गया मेरे साथ, पैसे कह रहे हमें जाना हमें नहीं जाना हमें नहीं जाना हमें नहीं जाना, ये हमें भाव नहीं देगा, ये हमें भाव नहीं देगा। पर तुम वो दिखाओ यार, मैंने कब बोला तुम्हें, अरे नहीं बोला रे। हाँ बट एक दिन मैंने आपको मैसेज किया था, तब मेरा इंटरव्यू था, यू रिमेम्बर,
कहाँ रिमेम्बर होगा भाई, अंकित जोशी है। अरे मेरे को भी फोटो लेनी है भाई, मैं कहूँ मैं अपने ऐसी पैसे में क्या एफर्ट लगा के भग जाऊंगी। भाई बेकार फोन है आपका, मेरे फोन से लो। कौन सा तुम्हारा है? मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप बताओ। इतनी गंदी फोटो आ रही है आपकी, मैं तो वही सुनकर। कौन सा फोन है आपका? अभी बेचती तो ऐसे लो। हाँ नाइस। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। फोटो भेज दे, फोटो। ठीक है, भेज देना और ये मत बोलना फोटो भेजने के एक्स्ट्रा पैसे। ठीक है, ओ भाई साहब, क्या लड़की।